सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि यदि सुशांत का परिवार मांग करे तो वे सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे, साथ ही सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस को सहयोग करने की अपील की। श्री राम जन्मभूमि की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि वे घरों में ही रहकर टीवी पर इस कार्यक्रम को देखें, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अयोध्या में न जुटें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन की तैयारियों को कोरोना के काले साए से दूर रखने के लिए लखनऊ से विशेष टीम सैनिटाइजेशन के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री और अन्य विशेष अतिथियों को कोरोना के काले साए से दूर रखने के लिए ये टीम विशेष सतर्कता रखेगी। हाल ही में रामलला के सहायक पुजारी और 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। हालिया वेब सीरीज में सेना और सैनिकों की इमेज को तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने पेश करने से नाराज रक्षा मंत्रालय ने पत्र लिखकर फिल्म सेंसर बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपनी नाराजगी जाहिर की है। और रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब जो भी फिल्म निर्माता निर्देशक सेना पर आधारित फिल्म वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उसे पहले रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि पूजन पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कोई शिलान्यास का मुहूर्त नहीं है और ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के साथ खिलवाड़ है। 5 अगस्त का दिन श्री राम जन्मभूमि पूजन के साथ अयोध्या के साथ ही पूरे देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जिसके लिए यूपी में हाई अलर्ट घोषित है और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात है। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच रक्षाबंधन पर भी चीनी सामान बहिष्कार का अभियान गति पकड़ गया है। इस बार व्यापारियों ने भी चीनी राखियों का बहिष्कार कर केवल हिंदुस्तानी राखियों का ही व्यापार किया। कोरोना संकट के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत सरकार के मंत्री और विधायक अपनी सैलरी का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे और साथ ही 500 करोड़ के माइनिंग फंड का 1/3 कोविड में खर्च करेंगे। कोरोना की हुई कांग्रेस में एंट्री, प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हुआ कोरोना। खुद इस बात की पुष्टि पीसी शर्मा ने की है। फिलहाल वो भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चीन में बनी राखियों का बहिष्कार करते हुए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। साथ ही उन्होंने स्वदेशी राखियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सरकार के तमाम मंत्रियों और सांसदों को स्वदेशी सांसद राखी भेजी है।